तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू टेक्निकल दीपक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है अभी भी। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर अभी क्या सिचुएशन है, होंगे या नहीं होंगे। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो यहाँ पर अब यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर ये न्यूज आप देख सकते हो, यूजीसी गाइडलाइन 2020 राजस्थान और पंजाब यूनिवर्सिटी के केंद्र से यूजीसी गाइडलाइन की समीक्षा करने को कहा। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यूजीसी गाइडलाइन को रिव्यू करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ रही है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसका रिव्यू अब सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है। इन्होंने लेटर लिखा है दो राज्य ने। यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान और पंजाब सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन को एडवाइजरी सितंबर तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने का विरोध किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अरमिंदर सिंह ने फैसला किया है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यूजीसी ने निर्देश पर रिव्यू करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी कोविड-19 के कारण कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएँ कराना बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ ये उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे इस बारे में कि अब जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसका रिव्यू किया जाए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम कराना सही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट की हेल्थ को हम खतरे में नहीं डाल सकते और दृष्टिकोण अपनाए ज़रूरत है। वही राजस्थान सरकार कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फाइनल ईयर और एग्ज़ाम कराने में यूजीसी के दिशा निर्देश को लीगल ओपिनियन ले रही है, ये जानकारी भंवर सिंह भाटी ने दी। तो यहाँ का शिक्षा मंत्री या उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, वो भी पूरे समर्थन में है फाइनल ईयर स्टूडेंट के, वो एग्ज़ाम नहीं करवाने के सपोर्ट में है और उन्होंने इस बात को यूजीसी को कन्वेंस करने के लिए भी कहा है। तो यहाँ पर राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा था कि परिस्थिति कोविड-19 के केस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में परीक्षाएँ कराना सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि मामले को में अंतिम फैसला राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही लेना है। आपको बता दें कि राज्य के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में लाखों बच्चे फाइनल ईयर की परीक्षाएं को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। दरअसल परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार और यूजीसी दोनों अलग अलग हैं। जो राज्य सरकार और यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो अलग है और स्टेट गवर्नमेंट अलग है। अब इस पर फाइनल यूजीसी को कन्वेंस किया जाएगा, नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है उन्हें लेटर लिखा जाएगा और उसके बाद वो इनका रिव्यू करेंगे और उसके बाद क्या डिसीजन आता है वो हमें देखने लायक होगा। अगर कुछ भी डिसीजन आता है हमारे फेवर में आएगा, फाइनल ईयर स्टूडेंट के फेवर में, या फिर वो एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाले, एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर एग्ज़ाम, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल ईयर एग्ज़ाम की डिग्री, अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो उनके जो फाइनल ईयर की डिग्रियाँ है उस वो वैधित एक सवाल उठ सकता है, उसकी वैधता पर एक सवाल उठ सकता है। जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फाइनल ईयर की डिग्री में एक सेमेस्टर को प्रमोट लिखा हुआ आएगा तो उनके आगे जॉब में दिक्कत आ सकती है, आगे उनके लाइफ पूरे करियर का सवाल है। उन्होंने कहा है कि हमने देखा है कि बदलती हुई कोविड-19 की स्थिति को, छात्र की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए जुलाई में अंतिम वर्ष के छात्र की परीक्षा कराना संभव नहीं है, इसलिए 30 सितंबर तक परीक्षाएं करने की गाइडलाइन दी गई है। यानी कि आज से 2 महीने और बाकी है, आज से लगभग 2 महीने 20 दिन बाकी, अगर 30 सितंबर से एग्ज़ाम होते हैं तो यह बहुत ही शोचनीय बात है, क्योंकि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और अभी और वो लेट होंगे लगभग 3 महीने, और रिजल्ट आएगा वो भी लेट आएगा। तो आप समझ सकते हो आगे जॉब कहीं अप्लाई करना हो, आगे एडमिशन लेना हो, तो वो एक सेमेस्टर आगे जा चुके हैं, 6 महीना आगे जा चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।